मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा आईसीटी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कंप्यूटर सहायता अधिगम शिक्षण की सीमा। यानी हम देखते हैं कंप्यूटर की सहायता से जब हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए उसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सीमाएँ, लिमिटेशन, किस आधार, किस लिमिटेशन के आधार पर हम कंप्यूटर का ज्ञान विद्यार्थियों को दे सकते हैं उसकी भी कुछ लिमिटेशंस बनाई गई है जिसके आधार पर हम बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते हैं। जिसके अंतर्गत पहली जो सीमा है उसमें बताया गया है कंप्यूटर से है अधिगम सामान्य शिक्षण की अपेक्षा अधिक व्यापक। पहली जो इसके अंतर्गत सीमा बताई गई है उसमें कहा गया है कंप्यूटर सह अधिगम सामान्य शिक्षण की अपेक्षा अधिक व्यापक है। क्योंकि तो कंप्यूटर के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम बालकों को जब सिखाने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम अधिक इसमें व्यय लगता है। यानी हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर अधिक समय व्यर्थ होता है, व्यर्थ हो रहा है कंप्यूटर। एक हम जब छात्रों को हम शिक्षण सामग्री के माध्यम से या हम कहीं पाठ्य पुस्तक पढ़ा देंगे तो वह अधिक सरल होता है, इसमें काफ़ी टाइम होता है। इसमें हम देखते हैं जब हम कंप्यूटर के सहायता से छात्रों को शिक्षण करवाते हैं तो हमें बताएं कई बार लाइट चली जाती है, विद्युत की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने रहती है जिससे शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर के शीघ्र खराब होने का भय देखते हैं तो जो सेकंड जो सीमा ऐसा बताया गया है कंप्यूटर के शीघ्र खराब होने का भय रहता है। यानी हम देखें तो कंप्यूटर जल्दी खराब हो जाता है अगर हम लगातार उसे कंटिन्यू यूज में लेते रहते हैं तो कई उसमें हैंग्स हो जाते हैं, कई कंप्यूटर या अंदर वायरस चल जाते हैं जिससे वो खराबी वो जल्दी कंप्यूटर में हो जाती है। फिर नेक्स्ट है भारतवर्ष में अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जहां बिजली नहीं है। आप आगे हम देखते हैं कि अनेक अगर हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो वहां पर उनको जोड़ा, उनको चालू नहीं किया गया है, जिससे क्या होता है कि ऐसे विद्यालयों में कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है जिससे जो शिक्षण कार्य है वह आसानी से ही हम बच्चों को समझ करवा पाते हैं। अब जो नेक्स्ट है कंप्यूटर एक विद्युत उपकरण जो बालकों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कंप्यूटर एक क्या है, विद्युत उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम चलता है जिससे जो बालक के लिए हानिकारक रूप से हो जाता है, क्योंकि बालक केवल अपने शिक्षण काल संबंधित चीज़ों को नहीं देखते हैं, वह अधिकतर गेम खेलते हैं या
दूसरे चीज़ों में फिक्स देखने में आधा समय व्यर्थ होता है, जिससे हम कंप्यूटर हम कहें तो शिक्षण काले के काले के सर्वोत्तम उपयोगी वह नहीं है, कहीं ना कहीं बालक के लिए हानिकारक प्रभाव भी डालता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर सह अधिगम से छात्रों का भावात्मक तथा संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता। इसके अंदर हम देखते हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से जब सिखाया जाता है तो छात्रों में भावात्मक संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत बालक अपनी फीलिंग्स अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकता। अगर दूसरी तरफ अगर हम वही शिक्षणकाल छात्रों को कक्षा में पढ़वाते हैं तो बच्चे अपने भावों को अपनी अपने जो उसके संवेग जो इमोशंस है उसको बता पाते हैं, जिससे जो छात्र शिक्षक उन समझ निर्धारण वह आकलित कर पाता है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटरों पर निर्भरता छात्रों को पुस्तकों हस्तलेखन से बहुत अधिक दूर कर देती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो कंप्यूटर पर जब छात्र पूर्ण निर्भर हो जाते हैं तो वह पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, जो उनका हस्तलेखन है जो वो लिखने का जो प्रयास करते हैं वह उनसे काफ़ी दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि लगातार जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो हमारा ध्यान हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और हमारी लिखने की जो प्रैक्टिस होती है वह भी बच्चों से काफ़ी दूर हो जाती है, जिससे लिखने बोलने आदत जो लिखने बोलने की आदत होती है वह धीरे धीरे अगर हम देखें तो कंप्यूटर के माध्यम से समाप्त होने लग जाती है, क्योंकि हम लगातार कंप्यूटर पर बैठ के हम उस पर हम पूर्ण निर्भर हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं तो लंबे समय तक हम कंप्यूटर और उपकरणों के साथ अधिगम ग्रहण करते करते हम खूब जाते हैं थकान लग जाते हैं, क्योंकि जब हम एक समय अधिक समय तक अगर हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारी आँखें भी काफ़ी दर्द होने लग जाती है, जिससे अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी परेशानी आती है। तो ये थी कंप्यूटर संबंधित जो भी लिमिटेशंस है वह क्या होनी चाहिए। अब इससे संबंध आज का आपका होमवर्क है कंप्यूटर सहायता अधिगम शिक्षण सीमाएं। कंप्यूटर सहायता अधिगम शिक्षण की क्या सीमाएं होती है बताइए, ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए, यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति कॉन्टैक्ट ना करें तो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप स्वस्थ होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।